हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम। टुडे वी हैव अ न्यू चैप्टर टू डिस्कस। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द सोशियोलॉजी एंड रिलेशनशिप विद द अदर सोशल साइंस। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू द क्लास प्लस वन सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर वी विल लर्न द न्यू कंसेप्ट ऑफ द सोशियोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ द सोसाइटी। कि सोसाइटी की जो हमारी अदर ब्रांचेस है उसके साथ क्या इसके रिलेशन है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर द मीनिंग ऑफ सोशल चेंजेस। वी हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर सोशल चेंजेस। आई विल अगेन डिफाइन द सोशल चेंजेस। सोशियोलॉजिस्ट डिफाइन सोशल चेंज एज चेंजेस इन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप दैट ट्रांसफॉर्म कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। कि लोगों के जो बिहेवियर होते हैं, जो कल्चर्स होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं फ्रॉम अदर सोशल चेंज या अदर सोसाइटी। दिस इज नोन एज ए सोशल चेंजेस या सोशल कल्चर। जो एक सोसाइटी के से दूसरी सोसाइटी के अंदर चेंज होते रहते हैं, दिस इज नोन एज ए सोशल चेंजेस। तो सोशियोलॉजी के अंदर फर्स्ट वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी रिलेटेड टू दिस चैप्टर। वी कैन सिंपल मीनिंग द स्टडी ऑफ द डिवेलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। वट इज़ द सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी टर्म रेफर टू द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मीन्स हाउ सोसाइटी इज क्रिएटेड। कि हमारी सोसाइटी कैसे बनी। द स्टडी ऑफ डिवेलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ह्यूमन सोसाइटी। डिवेलपमेंट कैसे हुई। वट इज़ द मैथड टू डिवेलपमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। वट इज़ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हम कल्चरली पढ़ेंगे इसकी, पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट या इसके जो हमारे इकोनॉमिकली, ये सारे एस्पेक्ट वी विल डिस्कस विद द स्ट्रक्चर। ये हम सारे स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी। के सोशियोलॉजी के फॉर्म के अंदर वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एस्पेक्ट लाइक एज ए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? के सोसाइटी के कौन कौन से फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी। फंक्शन विच वी कैन से बिहेवियर ऑफ द पीपल्स, रिचुअल्स ऑफ द पीपल्स, सेरेमनीज ऑफ द पीपल्स। के उनके कौन कौन से रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, उनके बिहेवियर हैं टू द अदर काइंड ऑफ पीपल, दूसरे लोगों के साथ उनके कौन कौन से रिलेशन हैं, कौन कौन से बिहेवियर हैं। वी ऑल डिस्कस दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इन द टर्म ऑफ सोशियोलॉजी। आई होप यू हैव ऑल क्लियर दिस कंसेप्ट। नेक्स्टली वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। बिकॉज दिस चैप्टर इज बिलोंगिंग टू द सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस। के क्या क्या रिलेशन हैं सोसाइटी और सोशियोलॉजी के अदर साइंसेस के साथ, दूसरी जो हमारी सोसाइटी ब्रांचेस हैं उसके साथ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। फर्स्टली वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज, सोसाइटी इज द मिक्सअप ऑफ ग्रुप ऑफ ह्यूमन। के जो ह्यूमन का ग्रुप होता है, लोगों का एक दूसरे के साथ अपना इंट्रैक्शन होती है, दिस नोन एज सोसाइटी। बट साइंटिफिकली वी कैन से सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। के जिनके गोल्स सेम होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी होती है, उनकी पॉलिसीज होती हैं, उनकी बिलीव्स होती हैं, दे आर ऑल सेम विद ईच अदर्स। कि उनके सबके एक दूसरे के साथ सेम होते हैं। इन द सोसाइटी नो वन कैन इन आइसोलेशन, कि वो अकेला नहीं रह सकता, बिकॉज दे हैव सम बेसिक नीड्स टू फुलफिल विद अदर्स। क्योंकि उसके पास कुछ बेसिक नीड्स होती हैं वो जो दूसरों के साथ मिलकर पूरा कर सकता है। सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन कल्चर एंड ए सोशल बैकग्राउंड। कॉमन कल्चर इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन सिंपल मीनिंग। क्यों उनके कुछ कल्चर्स होते हैं, कॉमन कल्चर्स होते हैं। कॉमन कल्चर्स कैसे कैसे होते हैं, वी नो इन अवर सोसाइटी देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ पीपल रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन। के हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, वो अलग अलग धर्मों के साथ होते हैं। वी कैन शेयर विद ऑल अवर बिलीव्स ईच अदर। हम उनके साथ अपने सारे जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं हमारे, हम उनके साथ शेयर करते हैं विदाउट एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन। कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव इन सोसाइटी विद द मिक्सअप टू द अदर
फैमिली मेंबर्स के दूसरे फैमिली मेंबर के साथ मिक्सअप होके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो शेयर्स होते हैं, हम हमारे जो कॉमन कल्चर्स होते हैं शेयर्स कर सकते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज, व्हेन द दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम पीपल सेलिब्रेटेड विद ईच अदर. व्हेन द ईद फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, बोथ द मुस्लिम एंड हिंदू रिलीजन सेलिब्रेटेड विद द ईच अदर एंड गिव द बेस्ट विशेस टू द ईच अदर. दिस इज ए कॉमन कल्चर. ये उन दोनों का क्या कॉमन कल्चर है कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर दूसरों के साथ रहते हैं. दे वियर द सेम क्लोथ्स, दे ईट द सेम फूड्स, वो सेम क्लोथ्स पहनते हैं, सेम फूड्स खाते हैं. ये हमारे कॉमन कल्चर्स होते हैं, इनकी सोशल बैकग्राउंड होती है. दिस इज नॉन एज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी. वी विल डिस्कस, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी, सोशोलॉजी और सोसाइटी तो है बट इनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो कैसे है. हाउ इज सोसाइटी, हाउ इज सोशोलॉजी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंस, कि जो हमारी सोशोलॉजी है वो कैसे रिलेटेड करती है अदर सोशल साइंस. अदर सोशल साइंस भी कैसे, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एटसेट्रा. द सोशल साइंस आर सब्जेक्ट्स कंसर्न विद द ह्यूमन इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड एंड सोशोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी. के जो सोशल साइंस है उसके अंदर सारे सब्जेक्ट कंसर्न हो जाते हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर मेंशंस होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं. एंड सोशोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी. और सोशोलॉजी है जो ये किसके साथ रिलेटेड होती है, टू स्टडी ऑफ द सोसाइटी. विद इन द सोशल साइंसेस आर सच डिसिप्लिन एज इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन एंड मैनी अदर्स. जो हमारी सोशोलॉजी है वो किसके साथ रिलेटेड है, दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंसेस लाइक एज ए इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन एंड मैनी अदर्स. ईच इज कंसर्न विद द पीस ऑफ ग्लोबल ह्यूमन कंसर्न्स. हर एक क्या करती है, अपनी जो ब्रांचेस होती है सोशल साइंस की, एवरी ब्रांच ऑफ सोशल साइंस मेन मोटिव टू मेक ए पीसफुल रिलेशन विद द ग्लोबल ह्यूमन कंसर्न्स, कि सबके साथ क्या हो, हमारा पीसफुली रिलेशन हो इन द ग्लोबल फॉर्मेशन, ग्लोबल फॉर्मेशन के साथ पीसफुली रिलेशन हो. तो ये तो हमारा था रिलेशन हो गया किन किन के सब्जेक्ट, कौन कौन से जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सोशल साइंस की ब्रांचेस हैं उनके साथ. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मेन पर्पस ऑफ सोशोलॉजी. जो सोशोलॉजी है उसका मेन पर्पस क्या है, वाई अडॉप्ट सोशोलॉजी इन सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर सोशोलॉजी क्यों अडॉप्ट की जाती है, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सोशोलॉजी इन द सोसाइटी, के सोशोलॉजी का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर. वी विल डिस्कस इन द सिंपल लैंग्वेज. सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन. सोशोलॉजी टर्म रेफर्स टू द रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन, किसके, ह्यूमन सोशल के. नेक्स्ट, यूनिफाइंग द स्टडी ऑफ दीज डाइवर्स सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज सोशोलॉजी पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन एक्शन एंड कॉन्शियसनेस बोथ शेप एंड आर शेप्ड बाय सराउंडिंग कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर. वी कैन से व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बिहेवियर विद द सोशोलॉजी एंड सोशल स्ट्रक्चर, कि सोशोलॉजी का या सोशल स्ट्रक्चर का हमारे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कौन सा इफेक्ट है, या कौन सा उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो कैसे होता है. इट इज़ नॉन विद द टर्म सोशोलॉजी एंड सोसाइटी. ये हमारी सोशोलॉजी और सोसाइटी के टर्म के साथ इसको रीड किया जा सकता है, इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है. बिकॉज विदाउट सोशोलॉजी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द सोसाइटी, विदाउट सोसाइटी सोशोलॉजी कैन नॉट फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स. विदाउट, बिकॉज दे आर इंटरलेटेड विद ईच अदर्स. जो सोशोलॉजी और सोसाइटी है ये इंटरलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ. अगेन सोशोलॉजी एंड सोसाइटी स्टडी विद द सो मैनी सब्जेक्ट्स लाइक एज ए इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा. तो नेक्स्ट ये आगे उनके साथ रिलेटेड होके अपने आप को जो ब्रॉड मीनिंग के अंदर डिवर्ट करती है सोशोलॉजी एंड सोसाइटी. नेक्स्ट, मेन पर्पस ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के जो मेन पर्पस हैं वो क्या होते हैं, वाई सोसाइटी जो है वो स्टैंड करती है. फर्स्टली सपोर्ट, सोसाइटी के अंदर सपोर्ट. ईच पीपल मेक ए सपोर्ट टू एवरी वन, कि हर एक आदमी
हर एक को क्या करता है, सपोर्ट करता है किसके साथ है, इन द हेल्पफुल मैनर के साथ, फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप। सोसाइटी के अंदर एवरी पर्सन हैव सो मैनी डिमांड्स, इफ गवर्नमेंट टेक इग्नोर देयर डिमांड्स पीपल क्लैट एंड मेक ए फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स लाइक प्रेशर ग्रुप्स इंटरेस्ट ग्रुप्स, तो लोग क्या करते हैं अपने आप को ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवा सकें। फॉर्मेशन ऑफ कल्चर, जो सोसाइटी का पर्पस होता है फॉर्मेशन ऑफ कल्चर, कल्चर बनाना होता है, विदाउट कल्चर सोसाइटी कैन नॉट फुली डिवेलप्ड, के कल्चर के बिना सोसाइटी क्या हो डिवेलप्ड नहीं हो सकती, तो सोसाइटी के अंदर डिवेलपमेंट के लिए उन उसको कल्चर के अंदर अडोप्ट करना होता है। कल्चर इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन पिलर है कल्चर इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी। कॉमन गोल इन द सोसाइटी, एवरी वन हैज़ ए कॉमन गोल बिकॉज एवरी वन वॉन्ट टू लिव द राइट्स एंड ड्यूटीज विद फ्रॉम द गवर्नमेंट, के वो गवर्नमेंट से अपनी ड्यूटीज और राइट्स को लेना चाहता है। एवरी वन हैज़ सम डिमांड्स, उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं विच इज़ टू मेंटेन ए लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, कि वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर कानून और व्यवस्था बनी रहे। इट इज़ एम एवरी सिटीजन हु लिव इन द सोसाइटी, ये हर एक आदमी का पर्पज़ होता है जो सोसाइटी के अंदर रहता है, क्या होता है गवर्नमेंट मेक ए लॉ एंड ऑर्डर फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स की प्रोटेक्शन हो और उनके ऊपर जो कानून है कोई ऐसा कानून इम्प्लीमेंट ना हो विच अफेक्टेड टू द ह्यूमन सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटी को अफेक्टेड करे। ये हर एक जो उस टाइम की सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं उनका सबका एक ये पर्पज़ होता है कि वो अपने आप को क्या करें एक कॉमन गोल के अंदर ही डिवेलपमेंट के साथ रह सकें। नेक्स्ट वी कैन से कॉमन गोल, एवरी वन वॉन्ट टू गेट ए जॉब अपॉर्चुनिटी, हर एक चाहता है कि मुझे काम मिले, विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब ही शी कैन नॉट सर्वाइव द लाइफ, कि कोई भी है उसको अगर जॉब या काम नहीं मिलता तो वो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द चैरिटी अमंग द पीपल्स हु बिलोंग टू द पुअर एंड बीपीएल फैमिलीज, के ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने जो उनके उसके पास साधन्स होते हैं जो सोर्सेस होते हैं वो उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें जो लोग मिनोरिटी या जो लोग पुअर लेवल के अंदर अपने आप को सर्वाइव करते हैं। गवर्नमेंट मेक के गुड एफर्ट्स टू द डिवेलपमेंट ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट ये क्या करती है उनको सोसाइटी के अंदर अपने आप को उनको डिवेलपमेंट करने के लिए एफर्ट्स करती है। ये हर एक का कॉमन गोल्स द मीन्स के सोसाइटी के अंदर रहते हुए हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जो सरकार है हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएं ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ क्या ना करें कोई एक्सप्लोशन ना करें, तो ये कॉमन गोल्स के साथ गवर्नमेंट उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं। सो दिस इज़ द कंसेप्ट, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस द मोर कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, टुडे इज़ एनफ, आई होप यू आर हैव अंडरस्टूड विद ऑल टाइप्स ऑफ कंसेप्ट। Thanks you. We will meet again with a new concept related to this chapter. Thanks a lot.